हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन क्वीन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं जीरे वाले फ्राई राइस। जीरे वाले फ्राई राइस बनाने के लिए हमने एक बाउल ये चावल लिए हैं, जिसे हमने बनाकर ले लिया है। अगर आपके घर में बचे हुए चावल हो तो आप लोग फ्राई राइस बनाकर खा सकते हैं। सुबह के नाश्ते में आप फ्राई राइस बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो देखिए, हमने फ्राई राइस बनाने के लिए एक बाउल चावल लिए हैं और हमने ये धनिया लिया है, बारीक काट कर हमने ये धनिया लिया है। ये लाल दो हमने लाल मिर्च लिए हैं, जिसे हमने चाकू से कट कर लिया है। एक चम्मच हमने जीरा लिया है। ये मटर लिए, ये ग्रीन मटर है जिसको हमने उबाल कर तैयार कर लिया है। एक प्याज हमने बारीक काट कर तैयार किया है। एक टमाटर हमने काट कर तैयार किया है। दो हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है। एक इंच अदरक का टुकड़े को हमने कट कर लिया है। चार पांच हमने करी लीव्स लिए हैं। तो चलिए फ्राई राइस बनाना शुरू करते हैं। देखिए, कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। घी को अच्छा गर्म होने देते हैं। तो देखिए, घी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छा चटक जाने देते हैं। इसमें 6 से 7 काली मिर्च डालेंगे। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। जीरे को अच्छा ब्राउन हो जाने देते हैं। तो देखिए, जीरा अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च को भी ब्राउन हो जाने देते हैं। इसमें करी लीव्स डालेंगे। अदरक को भी डाल देते हैं। प्याज को भी डाल देते हैं। आते हुए ब्राउन कर लेना है। तो देखिए, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। हरी मिर्च को भी डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मटर को भी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम सिम करके अब टमाटर को 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो देखिए, हमने टमाटर में नमक डाल दिया है। ये बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। 5 मिनट बाद हम इसे चेक करके देखेंगे। गैस का फ्लेम हमने सिम कर दिया है। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। टमाटर को चेक करके देखते हैं अच्छे से पक गए हैं या नहीं। तो देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। इनको हल्का मैश कर देते हैं। आधा चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर देते हैं, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और हमारे फ्राई राइस बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। देखिए, इसमें चावल भी ऐड कर देते हैं। चावल को मिक्स कर देते हैं। देखिए, जीरा राइस को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। 5 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, तभी ये और भी टेस्टी बनेंगे। इसमें धनिया भी डाल देते हैं। धनिया को भी मिक्स कर देते हैं। देखिए, जीरा राइस बनकर तैयार हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आप लोग इस ट्रिक से जीरा वाले राइस बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी। आप लोग फ्राई राइस को सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारे फ्राई राइस की रेसिपी अच्छी लगी हो, जीरा वाले चावल की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।